जब इंटरनेट नहीं था तब डाक विभाग की अपनी अलग पहचान होती थी, लेकिन अब इंटरनेट के आ जाने से ये नहीं कि डाक विभाग का महत्व खत्म हो गया है, बल्कि अब डाक विभाग पहले से और सुदृढ़ हो रहा है। समय की मांग के अनुसार डाक विभाग में लगातार बदलाव भी किए जा रहे हैं। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में डाक विभाग भी लंबी दौड़ लगाने के लिए तैयार दिख रहा है। डाक विभाग द्वारा जहां एक ओर बैंक दूर गांव में बैठे व्यक्ति के घर द्वार तक पहुंच चुका है, उसी तरह अब डाक विभाग भी जीवन बीमा कर रहा है। ये जानकारी डाक विभाग के सुपरिटेंडेंट रतनचंद शर्मा ने सोलन में मीडिया को दी। सुपरिटेंडेंट रतनचंद शर्मा ने बताया कि डाक विभाग द्वारा दो तरह के इंश्योरेंस किए जा रहे हैं, पहला पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस तो दूसरा रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। ये खास तौर पर ग्रामीण वासियों के लिए आरंभ की गई है। दोनों ही योजनाओं में कोई भी व्यक्ति अपना जीवन बीमा करवा सकता है और अपनी इच्छा के अनुसार किस्त कैसे अदा करनी है वो निर्धारित कर सकता है। उन्होंने बताया कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस 1884 में आरंभ की गई थी, लेकिन ये सेवा केवल कर्मचारियों के लिए थी। उसके बाद केंद्र और राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए भी खोल दी गई है। अब ये सेवा लाभ बैंक, निजी क्षेत्र, कर्मचारी, व्यवसायी भी उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण जब समाज में काफी अस्थिरता आ गई थी तो नागरिकों ने अधिक संख्या में अपना इंश्योरेंस करवाया ताकि उनका परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सके। जहां तक पीएलआई, जैसे पीएलआई पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, तो ये बेसिकली डाक जीवन बीमा है। इसमें डाक विभाग जो हमारे जो सिटीजन्स हैं, मतलब आम नागरिक हैं, उनको एक बीमा की सुविधा प्रदान कर रहा है। इसके जरिए आदमी एक अपनी निर्धारित जो बीमा राशि है उसकी एक पॉलिसी हमसे लेता है और उसका प्रीमियम जैसा वो चाहे, चाहे मासिक रखे, त्रैमासिक रखे, हाफ ईयरली रखे या ईयरली रखे, वो उस तरह प्रीमियम अपना हमें एक निर्धारित अवधि तक देता है और उससे बाद वो उसके लाभ ले सकता है। इसी तरह जो RPLI है, RPLI रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए पॉलिसी है, तो इसके भी मिलते जुलते ही वही फीचर्स हैं जो PLI के हैं। सिर्फ एलिजिबिलिटी का है कि PLI में बेसिकली ये बहुत पुरानी पॉलिसी है, 1884 में जो है ये पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डाक विभाग ने शुरू किया था 1884 में। लेकिन क्या किया उन्होंने, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए किया। सिर्फ उस समय PNT इकट्ठा एक विभाग होता था, इकट्ठा PNT, तो पोस्टल एंड टेलीग्राफ विभाग के लिए ये सिर्फ पॉलिसी थी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ जो है इसको अन्य जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए खोल दिया गया पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को, और इस तरह इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी भी शामिल किए गए। उससे बाद जो है PSUs और बैंकों के लिए भी इसको ओपन किया गया, और इस समय जो है ये प्रोफेशनल्स के लिए भी ओपन कर दी गई है। जैसे हमारे लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई CA हैं, आर्किटेक्ट हैं, उन सभी के लिए PLI पॉलिसी इस समय ओपन है। फायदा जहाँ तक इंश्योरेंस में होता है, बेसिकली इंश्योरेंस जो है अपने हम जीवन की एक सुरक्षा इंश्योर करते हैं। कोई भी लेता है तो वो अपने जीवन की सुरक्षा इंश्योर करता है इसके माध्यम से। और अभी तो इसका जो है कोविड के कारण सभी को जो है, क्योंकि मृत्यु का खौफ सबको नजर आ रहा था, तो इस कारण जो है इंश्योरेंस की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है, क्योंकि हर आदमी को पता लगा कि इंश्योरेंस मैं करूंगा तो मेरे ना रहने पे मेरे जो पीछे परिवार रह जाएगा उसको जो है समुचित मात्रा में जो है धनराशि मिलेगी और वो उसका परिवार वो वही रहन सहन कर पाएगा जो वो आज उसके रहते कर रहा है। उसके ना रहने पे भी वो वही सुविधाएं, वही चीज़ें वो इंजॉय कर सकता है उस पैसे से। इसके लिए हमारे यहाँ पे जैसे लगभग हमारे जितने भी डाक कर्मचारी है उन सभी को एजेंसी हमने दे रखी है, मतलब वो कार्य कर सकते हैं। आप किसी भी नज़दीकी डाकघर में जाके डाक कर्मचारी से संपर्क करें, वो आपको इस पे पूरा इस स्कीम्स के बारे में डिटेल में बताएंगे, वो आपका फॉर्म भरेंगे, आपकी जो भी इसमें चिकित्सा प्रमाण पत्र जो मेडिकल वगैरह होना होगा सारी फॉर्मेलिटीज़ वो करेंगे और इस तरह की कोई समस्या नहीं आएगी।